सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के। दोस्तों, अक्सर हम अपने मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उस एप्लीकेशन में हमें पता नहीं होता कि कौन सा एप्लीकेशन जेन्युइन है और कौन सा एप्लीकेशन हैकर्स द्वारा बनाया हुआ है। उस पीरियड में हम सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं कोई कोई एप्लीकेशन ऐसा भी होता है कि उसमें आपसे जीमेल आईडी मांगता है और आपका मोबाइल नंबर मांगता है। सोचने वाली बात है ये है कि आपके जीमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर से उस एप्लीकेशन को क्या ज़रूरत है। लेकिन होता ये है कि जब हम इंस्टॉल करते हैं तो अपना जीमेल आईडी डाल देते हैं और जीमेल आईडी डालने के बाद से उसमें 6 डिजिट का ओटीपी भेजा जाता है और उस ओटीपी को फिर हम एप्लीकेशन में डालते हैं। उसके बाद से हम फुल्ली तरीके से उस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाते हैं। और जानकारी की बात ये होनी चाहिए कि वो तो फुल्ली तरीके से हम उस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाते हैं, लेकिन हैकर्स द्वारा बनाया हुआ एप्लीकेशन जो है वो हम नहीं जानते कि वो क्या कर रहा है और आपकी जीमेल आईडी को पूरे तरीके से हैक कर लेता है और वो अपने हिसाब से उस जीमेल आईडी को यानी कि आपकी जीमेल आईडी को आपके मोबाइल नंबर को मॉनिटर करता है। उस पीरियड में गूगल ने एक ऐसा सर्विस लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सतर्क हो जाएं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट मोबाइल स्क्रीन पे ले चलूँगा और वहाँ पे बताऊँगा कि कैसे आपको क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। सीधा सीधी आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पे। जैसे दोस्तों क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो आपको लॉगिन होना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो लॉगिन होने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ब खुद लॉगिन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर्च बार में क्या टाइप करना है, सर्च बार में आपको टाइप करना है गूगल अकाउंट परमिशन। ठीक है, ये ऑलरेडी जैसे मैंने गूगल टाइप किया तो नीचे अकाउंट परमिशन आ गया, नहीं तो आप अकाउंट परमिशन जो है वो यहाँ पे टाइप करके और यहाँ पे सर्च कर देंगे। जैसे दोस्तों सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो है यहाँ पे आएगा अकाउंट परमिशंस। ठीक है, साइन इन गूगल। ठीक है, तो इसमें ऐड भी कभी कभी आता है, आप देख लीजिएगा myaccount.google.com जो नीचे लिखा हुआ है उसी पे आपको टाइप करना है। ठीक है, गूगल अकाउंट परमिशन जो है उस पे आपको टाइप करना है सिंपली। जैसे दोस्तों टाइप करेंगे तो आपने किस किस एप्लीकेशन को यहाँ पे यानी कि परमिशन दिया है यहाँ पे शो करने लगेगा आपके सामने, जो उसका इंटरफेस ओपन यानी कि इंटरफेस जो ओपन होगा यहाँ पे आप देख पाएंगे। मैंने यहाँ पे कई एक जो है एप्लीकेशन को यहाँ से परमिशन दे रखा है। ठीक है, तो देखिए आप, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हूँ अपने अकाउंट में और यहाँ पे आप देखिए नीचे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए फ्रीडम के नाम तो आप जानते होंगे, उसके बाद से अनरोल है, उसके बाद से पियानो गुरु है, बहुत सारे यहाँ पे लाइन से एप्लीकेशन है जिसको मैं नहीं जानता कि कौन कौन सा है और मैंने उसे परमिशन दे रखा है। मैं ये भी नहीं जानता कि कौन सा हैकर्स वाला एप्लीकेशन है जिसे मैं यहाँ पे परमिशन दे रखा हूँ। तो सिंपली मुझे क्या करना है कि जो एप्लीकेशन यहाँ पे शो करेगा आपको लगे कि वो एप्लीकेशन आपके लायक नहीं है तो यहाँ पे टेलविज़र जो है उस पर आपको टैप करना है। जैसे दोस्तों टैप करेंगे तो यहाँ पे रिमूव एक्सेस का ऑप्शन आएगा, आपको रिमूव एक्सेस पे टैप करना है। जैसे रिमूव एक्सेस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे ओके कर देना है और जैसे ओके करेंगे तो ये आपके जीमेल से आपका जो एप्लीकेशन है यानी कि जो परमिशन है वो डिलीट हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर एक और एप्लीकेशन है उसके बारे में मैं नहीं जानता तो मैं यहाँ पर रिमूव एक्सेस पर टैप करूँगा और यहाँ से रिमूव कर दूँगा। उसके बाद से अनरोल मी जो है उस पर भी मैं टैप करूँगा और आपके पास जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे मौजूद होंगे जिसको आपने परमिशन दे रखा होगा वो यहाँ से रिमूव आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा सेफ्टी के एतबार से, आपको कैसा लगा आप हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन